सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंग्री ओ मैन। वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो क्या हाल है भाई सबके? गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ना ब्राजीलियन जो यूट्यूबर है ना भाई, उनका एक इमोटर देने वाला हूँ, जो कि कस्टमाइज वर्जन है ब्लूस्टैक 4 का। एंड लिटरली बताऊं भाई, ये वाला वर्जन जो ना, इसमें मतलब एंटी क्रैश है, मतलब इसको क्रैश वगैरह नहीं होगा। एंड ये जो वर्जन है वो 4.30 का वर्जन है, यानी आप लोगों ने जो है 4.240 सुना होगा ब्लूस्टैक का। तो ये ब्लूस्टैक का कस्टमाइज वर्जन है, जो कि आपके पीसी में जो अच्छे से चलेगा, आपको अच्छे FPS भी ला के देगा एंड अच्छी सेंसिटिविटी भी है। एंड कुछ इसका ड्रॉबैक भी है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। एंड ये नॉर्मल की तरह नहीं है कि मतलब आप इंस्टॉलेशन की फाइल जो है दे दूंगा आपको, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करोगे। तो इसका प्रोसेस भी है इसके अंदर, इसको जो है कस्टमाइज करेंगे आपको कैसा क्या नहीं, वो आपको पूरा ऐसा मतलब वीडियो में पता चलेगा। मतलब है ना, वीडियो स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे मतलब पूरी तरीके से जो है इसको कस्टमाइज करना है। मतलब आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो इसको, ऐसा इन्वर्टर है ये। मतलब नॉर्मल तो स्टार्टिंग में लगेगा कि वो ब्लूस्टैक का इन्वर्टर है, लेकिन बाद में जब फाइल वगैरह पेस्ट वगैरह होगी, जो अपने जो प्रोग्राम फाइल्स होती है उसमें, तो इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा इंटरफेस। तो कुछ ऐसा ये इन्वर्टर है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा। तो इसके बारे में सारा मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं आज की अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ हेल्प हुई, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं आज की मजदूरी बिना किसी देरी के। तो इस सिमुलेटर का नाम है दोस्तों सुपर क्लीन। तो इसको डाउनलोड करने की फाइल आपको मिल जाएगी अपने कमेंट बॉक्स में, वहां पे है ना। इसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने बताया मेरी लिंक से, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है डाउनलोड का तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये बेसिकली जिप फाइल है दोस्तों। तो इसका जैसे आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपके सामने कुछ है ना इस तरीके से अपनी जिप फाइल आ जाएगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो है पेड ब्राजील इमुलेटर। तो इसको पासवर्ड रखा है मैंने 1, तो ठीक है सिर्फ 1 डालना है आपको पासवर्ड में। एंड इसको यहाँ पे अनजिप कर लेना है भाई। जैसे आप ना ओके करोगे तो फटाफट से यहाँ पे ऐसा फोल्डर आ जाएगा। तो मैंने पहले लेकर करके यहाँ पे ब्राजीलियन प्लेड इमुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक है ना आपको दिख रहा होगा क्या है क्या नहीं। तो ये है ना क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो डेक्स टीवी को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको है ना इंस्टॉल करना है अपनी फर्स्ट जो है ना ब्लूस्टैक की इंस्टॉलेशन की फाइल जो है। तो यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप बस वही सेम प्रोसेस फॉलो करो। थोड़ा सा मतलब है ना ध्यान दे के देखो, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही आपको इंस्टॉलेशन करना है। अब यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पीसी में कोई ब्लूस्टैक का 4 वाला वर्जन करके रखा है आपने, तो उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो पहले ब्लूस्टैक 4 का कोई अगर ओल्ड वर्जन है तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। अब ये यहाँ पे फटाफट से जो है स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको भी पता है ब्लूस्टैक जो है इंस्टॉलेशन होने में, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन फटाफट से हो जाएगी। इसके बाद में जैसे आप देख सकते हो, ये नॉर्मल इमुलेटर की तरह रखेगा आपको। इसका 4.300 का वर्जन है ब्लूस्टैक का, ठीक है। ये तो पहली बार ही मैं यूज कर रहा हूँ भाई ब्लूस्टैक 4.3 को, ठीक है। आपको जो इसके बाद में क्या करना है, अपना बैकग्राउंड से पूरी तरीके से जो है ब्लूस्टैक का कोई भी है ना प्रोग्राम जो यहाँ पे रन होने नहीं देना है, उसको एंड टच कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ब्लूस्टैक का एजेंट रन हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने उसको जो है एंड टच कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से सब कुछ आप कर लो, देख लो एक बार पूरा टास्क मैनेजर में जाके कि कहीं आपका कहीं पे ब्लूस्टैक का कोई प्रोग्राम रन तो नहीं हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पीडी की कुछ फाइल दिख रही है आपको, इसको यहाँ पे अनजिप करना है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं है, इसको कुछ पासवर्ड वगैरह नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पे डायरेक्टली है ना यहाँ पे हो जाएगा अनजिप, ठीक है। यहाँ पे है ना हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बहुत लंबी फाइल है, बहुत GB की फाइल हो जाती है वरना ये, ठीक है। यहाँ पर जो है फटाफट से यहाँ पे कर लो ये सब। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर फोल्डर आ चुका है पीडी का। तो आपको क्या करना है, ये सारी जो फाइल्स है ना इनको कंट्रोल सी करके सिलेक्ट ऑल करना है सबसे पहले। तो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एंड कंट्रोल सी पे आपको जो है प्रेस करना है, या फिर डायरेक्ट नॉर्मली कॉपी भी कर सकते हो। फिर आपको आना है यहाँ पर पीडी का जो सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे पीडी सेक्शन में आपको आना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आपको रिप्लेस ये फाइल कर देना है। अगर आपके सामने ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको रिप्लेस कर देना है फाइल, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो वाला जो वर्जन हम लोग जो है उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रोग्राम फाइल्स में जाके डायरेक्टली। तो ये सारी जो कस्टमाइज फाइल्स है ना वो यहाँ पर हम लोग उसको पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी टेक्स्ट और एक स्टेप है जो आपको 2 मेन स्टेप है ना फॉलो करना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली सारी फाइल्स हो चुकी है। तो फिर बाद में देख सकते हैं यहाँ पे आपको PF का एक दिख रहा होगा फाइल, जिप फाइल। तो नॉर्मली यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एक्स्ट्रा क्लियर कर लो, तो ये जल्दी हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फटाफट से यहाँ पे PF में जाओ और यहाँ पे सारी जो भी मतलब है ना जो भी सारी फाइल्स है ना इसको कंट्रोल है कंट्रोल सी कर लो, कॉपी कर लो। एंड देन यहाँ पे आपको PF प्रोग्राम फाइल्स में आना है, एंड यहाँ पर नीचे जाके जो भी खाली स्पेस होगा ना वहाँ पे एक बार क्लिक करो माउस से, एंड कंट्रोल वी करो एंड रिप्लेस द फाइल्स कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है, जैसे यहाँ पे मेरे को आ रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर मतलब ऑलरेडी है आपके पीसी में, तो यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू कर लेना। एंड अगर आपका पीसी में फिर भी वापस से आ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली जो है इसको स्किप कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं और एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, ट्राई अगेन करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पीसी में ऐसी प्रॉब्लम आता है अगर कुछ फाइल्स है ना वो डुप्लीकेट हो तो, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो है प्रोसेस हो चुका है इसको कस्टमाइज करने का, यानी इसका पूरा है ना चेंज हो जाएगा। अभी आप देखोगे, जैसे यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ,
यहाँ पे आपके सामने दिखेगा सबसे पहले तो है ना पूरा चेंज इसका यहाँ पे जो है थीम वगैरह हो चुका है। अब ये सुपर क्लीन इसका नाम है जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये मतलब देख सकते हो कितना कूल वगैरह लग रहा है इसका, ठीक है। और यहाँ से आप है ना इसको मैं पूरा सेटिंग में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप है ना सारा एपीके वगैरह इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब मेरे को कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई इससे कुछ आईडी को खतरा तो नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो है ओरिजिनल आईडी है, मेन आईडी है, दो मेरी मेन आईडी है उसमें कि मैं यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूँ, जो मेरी एनजी रॉ की मेरी आईडी है जो मेरे छोटे भाई यूज करता था, अभी मैं यूज कर रहा हूँ वो, तो देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन इसका मैंने ड्रॉबैक जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना थोड़ा लॉबी में है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है दोस्तों, बस लॉबी में ही है ना थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा अटक जाएगा, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा मतलब कुछ स्टक वगैरह हो रहा है बस, बाकी ये इम्यूलेटर क्रैश ही नहीं होगा। मैं इसको पूरा हाई करके दिखाऊं, सब कुछ करके दिखाएं, तो सबसे पहले आप ना चलते हैं हमारे जो है इम्यूलेटर सेटिंग्स पे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आपको आइकॉन मिल जाएगा जो हेडफोन वाला होगा, तो यह सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज स्क्रीन भी कर सकते हो आप लोग, यानी जो अलग अलग स्क्रीन अगर आपको इसकी जो थीम बदलनी है, तो यहाँ पे आपको चार थीम मिल जाएंगी। अभी करंटली मैं जो ये ब्लू वाली मतलब यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं हम लोग, इसके बाद में जो है हमारा जो इम्यूलेटर का सेटिंग्स वगैरह है उसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सेटिंग्स में चलते हैं। एंड इसके यहाँ देख सकते हो जिस पे मैं आपको यहाँ पे आप अपने हिसाब से पीसी के स्पेक के हिसाब से रख सकते हो, 720 रखो या फिर 1080 भी रख सकते हो आप, डीपीए का ऑप्शन भी नॉर्मल ही है। एंड ये परफॉर्मेंस पे रखना ग्राफिक्स इंजन को एंड ओपन जीएल जो है ग्राफिक्स सेंटर उसको भी ओपन जीएल पे रखो। जीपीयू का यहाँ पे ऑप्शन आपको टिक करने को मिल जाता है जो कि मॉडिफाइड वर्जन में नहीं मिलता। यहाँ पर आप ASTC को जो है डिसेबल ही रख लेना, अगर चाहे तो ना आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो हार्डवेयर पर रख सकते हो। एंड परफॉर्मेंस में यहाँ पे CPU आपने PC के स्पेक के हिसाब से रखना है, जितने आपके जो है PC है ना आपका झेल पाएगा उतना आपको रखना है। RAM अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा रखो, कम है तो उसका कम रखो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे 240 FPS तक आपको है ना सपोर्ट करने को देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ 60 को डायरेक्ट जो है 240 पे सेट कर सकता हूँ, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। मतलब ज़्यादा कुछ फेक वगैरह इसमें ऐड नहीं किया कि 900 FPS 1000 FPS ऐसा कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। बाकी कोई कुछ सेटिंग तो है ही नहीं इसमें, नॉर्मली जो है डायरेक्ट अपनी जो है होता है अपना एडवांस में अपना ASUS ROG 2 को सिलेक्ट करना, तो बस आपको नॉर्मल अपना जो डिवाइस है वही सिलेक्ट करना है, जियो करना है सिलेक्ट, बाकी बस कुछ नहीं है, बस सेम ही है, मतलब बाकी पूरा सेम ही है। बस मुझे ऐसा लगा कि भाई इसकी सेंसी वगैरह थोड़ी अच्छी लगी मेरे को दूसरे के मुकाबले। एंड थोड़ा सा मतलब कभी कभी है ना लॉबी में स्टक हो रहा था इमोट वगैरह जब आप दिखाओगे ना तब, अब वो शायद है ना मेरे PC में बहुत ज़्यादा डाटा हो गया है मेरे जो है जहाँ पर मैंने जो मेरा पूरा विंडोज़ इंस्टॉलेशन करके रखा है वो मेरा सी ड्राइव पूरा भर चुका है भाई, 90% उसका भर चुका है डाटा, तो मेरे को PC को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 90 FPS तो कॉन्स्टेंटली आपको 80+ 90 FPS आ जाएंगे, लो एंड PC में होगा तो भी आपका 60 FPS में आप खेल पाओगे आसानी से। एंड यहाँ पर इसकी ओवरऑल सेंसी की बात की जाए तो अभी तक मैंने कोई सेंसी वगैरह सेट भी नहीं की थी, मेरी नॉर्मल जो सेंसी है वही थी, तो उस पर तो बहुत अच्छे से चल रहा था, मतलब हेडशॉट वगैरह बहुत बढ़िया चल रहे थे। अभी मैंने एक नया कुछ अलग सा है ना एक ट्विक मतलब देखा है, मैंने मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो डालूंगा इसी इम्यूलेटर के ऊपर, अगर आप चाहो तो वो वीडियो मैं डाल देता हूँ, अगर आप कॉमेंट करोगे तो, नहीं करोगे तो भी डाल दूंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छुपा के नहीं रखता हूँ मैं। बाकी मतलब अच्छा लगा ये इम्यूलेटर सेटिंग वगैरह, मतलब करोगे तो अच्छे से चल जाएगा, एक बार ट्राई करके देख सकते हो मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा मेरे को तो, इसमें है ना क्रैश वगैरह नहीं है, जो कि ज़्यादातर है ना जो मॉडिफाइड इम्यूलेटर होते हैं ना कस्टमाइज़ किए हुए उनमें तो है ना भाई सबसे पहले जो है डायरेक्ट गेम ओपन करते हैं आपका गेम डायरेक्ट क्रैश हो जाएगा, इम्यूलेटर क्रैश हो जाएगा, तो इसमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बढ़िया चल रहा था ये, बहुत बढ़िया है, मतलब इसके FPS भी मतलब बोल सकते हो ठीक ठाक ही आ रहे, ज़्यादा नहीं लेकिन एवरेज FPS आ रहे ऐसा बोल सकते हो, 90 FPS पे आप आसानी से खेल सकते हो, अगर आपका अच्छा गेमिंग मतलब एक्सपीरियंस चाहते हो तो 70-80-90 FPS आएंगे तो आप खेल पाओगे अच्छे से, ठीक है। एंड मेरा मॉनिटर जो है भाई वो 75 Hz रिफ्रेश रेट का है, तो उतना मुझे कुछ ना लगेगा भी नहीं कि ज़्यादा FPS आ रहे तो, ठीक है। तो अभी मैंने जो है पूरा आपको बता दिया, इसका ड्रॉबैक भी मैंने बता दिया कि थोड़ा बहुत कभी कभी इमोट लग मारते टाइम लॉबी में थोड़ा सा स्टक हो रहा है, बाकी तो ट्रेनिंग ग्राउंड में भी जाओगे तो स्टक नहीं होगा, कोई भी मैच खेलोगे तो स्टक नहीं होगा, फिर भी चाहो तो आप है ना पहले सोशल लैंड है ना एक बार है ना सोशल आइलैंड पे जाके एक बार है ना थोड़ा सा 1-2 मिनट स्पेंड कर देना, उसके बाद में जो है आप है ना कोई भी गेम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी है ना आगे मैं आपको इसकी सेटिंग वगैरह दिखा देता हूँ, सेटिंग तो सब कुछ मैंने नॉर्मली रखी है दोस्तों, जो कि आपको पता है मेरा ट्विक्स वगैरह क्या रहता है क्या नहीं वो सब कुछ मैंने नॉर्मली रखा है, कुछ मतलब ऐसा कुछ यूनिक वगैरह नहीं रखा है। यहाँ पे मैं फटाफट से कि आपको अपनी सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या क्या मेरी सेटिंग है, 8800 वाला मैं ट्विक्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पे जो डिफॉल्ट ट्विक्स है 16450 वो यूज कर सकते हो, एक्स एंड वाई भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चाहो तो डाल दूंगा, मैं हर बार भूल जाता हूँ लेकिन इस बार पक्का डाल दूंगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो ये इम्यूलेटर अच्छा रहेगा, ठीक है। डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे फाइल्स वगैरह डाल के रखी है। तो आई होप कि गाइस मैंने आज की वीडियो में आपको पूरा बता दिया इस इम्यूलेटर के बारे में, क्या नहीं कैसा कैसे वर्क करेगा, इसका फीडबैक वगैरह क्या है, कैसे इसका डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की मधुरी पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।